स्टैटिक्स का क्वेश्चन सब होगा, उसको देखो। सपोज करो एक ब्लॉक है, इसको हम लोग इस तरह से लटका दिए हैं। ब्लॉक का मास m है, तो बताना है इस धागा में कितना टेंशन होगा। क्वेश्चन में हम लोग दो चीज का हमेशा ध्यान रखते हैं। पहला ये कि एक धागा में हर जगह टेंशन सेम होगा, अगर धागा मासलेस है, जो मोस्ट ऑफ द केस में होगा, तो धागा में हर जगह टेंशन सेम रहना है। दूसरा पॉइंट ये कि पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। अगेन पुली अगर मासलेस है तब ऐसा होगा, पर जब तक हम लोग इस चैप्टर में है, हमारा पुली मासलेस ही रहेगा। तो अगर पुली मासलेस है उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, और अगर धागा मासलेस है तो उसमें हर जगह टेंशन सेम होगा। तो हम लोग जो है सो इस धागा में टेंशन को टी मान लेते हैं। तो यहां भी टेंशन टी होगा, यहां भी टेंशन टी होगा, टेंशन हमेशा खींचता है, तो ये इस पुली को इधर टी से खींच रहा होगा, इधर टी से खींच रहा होगा। तो इस धागा में कितना टेंशन हो जाएगा, टूटी। पुली पे नेट फोर्स जीरो होना है, ऊपर की तरफ टूटी से खींच रहे हैं, तो ये धागा इसको नीचे की तरफ टूटी से खींचेगा। तो यहां पर टेंशन टूटी हो गया, यहां पर टेंशन टी है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है और ऊपर की तरफ 3T फोर्स लग रहा है। तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा, यहां से हम लोग को मिल जाएगा 3T इज इक्वल टू mg, या फिर T इज इक्वल टू mg बाई 3। समझ में आ रहा है, सिंपल सा काम है। धागा में हर जगह टेंशन सेम रहना है, पुली पे नेट फोर्स जीरो रहना है, इसके बाद तुम हर जगह का टेंशन निकाल सकते हो और फिर फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना दो। इसका मास m है, बताना है इस धागा में कितना टेंशन होगा। तो इस धागा में टेंशन T मान लेते हैं, यहां पे T होगा, यहां पे T होगा, यहां पे टेंशन 2T हो जाएगा। इसमें अगर 2T है तो यहां भी 2T होगा, सेम धागा है, तो यहां पे टेंशन 4T हो जाएगा। इसमें 4T है, यहां भी 4T होगा, तो यहां पे टेंशन 8T हो जाएगा। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ 8T लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी mg के बराबर है। यहां से 8T को mg से इक्वेट कर देंगे, टेंशन का वैल्यू mg बाई 8 चलाएगा। समझ गए, तो ये सेटअप है। इस ब्लॉक का मास m है, इस धागा में कितना टेंशन होगा सो बताना है। इस धागा में टेंशन बता दो, यहां पे जो है सो तुम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, या एक काम कर सकते हो कि इस धागा में टेंशन को टी नॉट मान लो और इसके बाद यहां से बढ़ो। ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस धागा में टेंशन टी है, यहां पे टेंशन टी है, तो यहां पे टेंशन 2T हो जाएगा, यहां टेंशन 2T चलाएगा, यहां पे टी है। अब इस पुली को देखो, ऊपर हम लोग टी टेंशन से खींच रहे हैं, यहां टेंशन टी है, तो यहां भी टेंशन टी होगा, और नीचे दो धागा मिलकर उस टेंशन को अपोज कर रहा है, दोनों धागा में टेंशन बराबर होना, तो टेंशन कितना हो जाएगा T/2 और T/2। ये समझ में आया, T/2 कैसे हो गया, ऊपर की तरफ टी टेंशन है, नीचे की तरफ दोनों धागा खींच रहा है, उस टी को अपोज कर रहा है, दोनों धागा में टेंशन इक्वल होना है, तो दोनों में आधा आधा टेंशन दे दोगे, इसको बैलेंस कर लेगा। ये समझ गए, अब जो है सो यहां पे T/2 है, तो इस दोनों धागा में कितना टेंशन होगा, T/4। तो अब इस ब्लॉक को देखोगे, इस पे ऊपर की तरफ एक यहां पे टेंशन 2T है, यहां पे टेंशन T है, फिर T/2 है, फिर T/4 है, और एक और T/4 है। तो ये दोनों मिलके T/4 मिलके T/2 हो जाएगा, ये T/2 और ये T/2 मिलके T हो जाएगा, और ये T और ये T मिलके 2T हो गया, ये 2T और ये 2T मिलके 4T हो गया। यानी ऊपर की तरफ 4T टेंशन है, नीचे की तरफ mg फोर्स है, ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहां से T का वैल्यू mg/4 आ जाएगा।
आगे समझ गए? तो एक ब्लॉक है, इसको इस पुली से लटका दिए हैं और फिर एक दूसरा धागा लगा के इसको सीधा रखे हैं, सच दैट कि ये स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। इस धागा में और इस धागा में कितना टेंशन है सो बताना है, टी वन और टी टू का वैल्यू बताना है, ब्लॉक का मास एम है। धागा में हर जगह टेंशन सेम रहेगा, पुली पे नेट फोर्स जीरो होना है। तो इस धागा में टेंशन टी वन है, यहां भी टेंशन टी वन होगा, ठीक है। और अब ये दोनों टेंशन को बैलेंस करने का काम इस धागा का होगा और फिर इस धागा में जो टेंशन होगा वो इस ब्लॉक पे आएगा, यानी कुल मिला के इस दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट है सो इस ब्लॉक पे लगेगा। तो जब हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक इस पे फोर्स इधर की तरफ ग्रेविटी लगाएंगे, इधर की तरफ टेंशन टी टू, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी वन और इधर थीटा एंगल पे टेंशन टी वन, ठीक है। जो भी फोर्स पुली पे लग रहा है वो अल्टीमेटली उस पर ट्रांसफर हो जाएगा जिससे पुली कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो होना है। तो ये दोनों फोर्स को के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स देगा और फिर वही फोर्स इस पे लग रहा है। तो ये जो फोर्स था वो इसके माध्यम से ट्रांसफर होके इस पे आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो है यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करोगे तो ये टी वन और इस टी वन का वर्टिकल कंपोनेंट टी वन साइन थीटा, ये दोनों मिलके एमजी को बैलेंस करना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं टी वन प्लस टी वन साइन थीटा इज इक्वल टू एमजी, और यहां से टी वन का वैल्यू मिल जाएगा एमजी डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करोगे तो ये जो टी टू है वो टी वन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी टी वन कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। तो यहां से टी टू का वैल्यू आ जाएगा टी वन कॉस थीटा और टी वन जो है सो एमजी डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा है, तो ये एमजी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? सिंपल है। अब ये क्लासिक क्वेश्चन है, लगभग हर किताब में मिलेगा। एक आदमी है वो किसी लिफ्ट के अंदर है, जिस लिफ्ट के छत में छेद है, ठीक है, और जो है सो इस लिफ्ट के ऊपर से एक रस्सी पुली से घूमते हुए इस छेद से अंदर आता है और ये आदमी जो है सो उसको पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। इस लिफ्ट का मास स्मॉल एम ले लेते हैं, आदमी का मास कैपिटल एम ले लेते हैं। तो तुमको बताना है धागा में कितना टेंशन होगा और यहां पे आदमी के पैर और इस लिफ्ट के बीच में कितना नॉर्मल होगा अगर पूरा सिस्टम रेस्ट में है। तो दो तरह से बढ़ सकते हैं, एक जो है सो दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के कि इस धागा में टेंशन को हम लोग टी मान लेते हैं तो पूरे में टेंशन टी होगा। अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसको धागा ऊपर की तरफ टी टेंशन से खींच रहा है, ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ कैपिटल एमजी के बराबर है, इसके अलावा और इस पे कौन सा फोर्स है? पैर पे नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, उसको एन मान लेते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि रेस्ट में है तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल होगा, तो हम लोगों को क्या इक्वेशन मिलेगा? एम प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। ये समझ में आया? तो एक इक्वेशन मिल गया। अब जो है सो इस लिफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस लिफ्ट पे कौन कौन सा फोर्स पड़ रहा है? एक ऊपर की तरफ टेंशन, इस धागा में हर जगह टेंशन टी है तो यहां धागा इस लिफ्ट को भी ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन टी आ जाएगा। इसके अलावा एक नीचे की तरफ इसका अपना वेट होगा mg, इसके अलावा आदमी को जो ये ऊपर की तरफ धकेल रहा था उसका रिएक्शन आदमी नीचे की तरफ लगाएगा तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा n, ठीक है। ये समझ में आया? तो अब जो है सो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को
हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एन। ये समझ में आया? तो नीचे एम जी है, एन है, ऊपर की तरफ टी है, दोनों इक्वल होना चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए तुम एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो ये वाला एन और ये वाला एन कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा टू टी इज इक्वल टू एक यहां पे जो है कैपिटल एम जी है आदमी यहां, ठीक है। तो टू टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी, और तब यहां से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टू इंटू जी। इस टेंशन के वैल्यू को इस दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो तो नॉर्मल का वैल्यू निकल आएगा। इसमें अगर रखते हैं तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा एम इज इक्वल टू एम जी और कैपिटल एम जी माइनस टी, और टी का वैल्यू एम प्लस एम बाई टू इंटू जी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? तो नॉर्मल का वैल्यू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी होगा, टेंशन का वैल्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए? इसको बनाने का एक और तरीका है जिसमें हम लोग दोनों को एक सिंगल सिस्टम की तरह देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखे थे कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उसको सिंगल सिस्टम ले सकते हैं। यहां पे लिफ्ट और आदमी दोनों एक साथ रेस्ट में है तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उसको सिंगल सिस्टम माना जा सकता है। तो इसको अगर सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हारे पास एक सिस्टम है जिसका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम है। अब इसमें कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? एक ग्रेविटी होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, इसके अलावा टेंशन होगा ऊपर की तरफ कितना टू टी, यहां से खींच रहा है और यहां पे टी से खींच रहा है तो ऊपर की तरफ टेंशन टू टी होगा। इसके अलावा नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, इस दोनों के बीच का आंतरिक मामला है, उसको बाहर के चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बात समझ गए? तो अब जो है ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे, यहां से देख सकते हो टी का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इंटू जी। समझ में आया? तो इसको सिस्टम लेने से जो बेनिफिट हुआ वो हुआ कि एन गायब हो गया। एन जब गायब हो गया तो तुम्हारे पास दो वेरिएबल से घट के एक वेरिएबल हो गया। एक वेरिएबल को सोल्व करने के लिए तुमको बस एक इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन तुरंत मिल गया। और यहां पे दो वेरिएबल आ रहा था टी और एन, और तब जो है सो उसका वैल्यू निकालना है तुमको दो इक्वेशन चाहिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, दोनों से दो अलग अलग इक्वेशन आया, उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से हम लोग को टेंशन और नॉर्मल का वैल्यू मिला, ठीक है। तो इस टेक्निक को ध्यान में रखोगे कि कभी कभी जो है सो हम लोग दो को अगर एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं तो एक वेरिएबल गायब हो जाता है, वेरिएबल गायब होने से काम हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। समझ गए? एक बार टेंशन निकाल दिए हैं तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग नॉर्मल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जो है सो फिर ये काम करो, चाहे ये काम करो, ये इक्वेशन आएगा या फिर ये इक्वेशन आएगा, ठीक है। समझ गए? आसान है, मजेदार है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।